नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं सुमन हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक आंधी आई थी, आपको याद ही होगा, और उस आंधी ने जितने भी राजनीतिक पहले के इतिहास थे सबको अपने जो आगोश में ले लिया था, यानी कि सबको ध्वस्त कर दिया था। और वो आंधी था नरेंद्र मोदी के नाम का। और उस आंधी में एक बड़ा नारा जो है सामने आया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह की बातें सामने आई थी। और हम सभी इस बात को देखे कि किस तरह से भाजपा और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सिर्फ एक चेहरे पे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, किस तरह से भाजपा ने 2014 में लोकसभा में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन ये आंधी घर घर थी और बीजेपी जो है इसी को भुनाने में लगी रही। लेकिन इसके बाद ठीक एक साल बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि एनडीए में उस वक्त नीतीश कुमार नहीं थे, वो महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे, यानी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार में एक साथ हो गए। उसके बाद 2014 का जो सुनामी आया था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसको बीजेपी ने है 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान भुनाने की भरपूर कोशिश की। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए गए। उसके बाद मोदी जी हर घर में थे, मोदी जी जो बात कहे कि हर दीवारों पर उनके पोस्टर लगे हुए थे, डिजिटल रैलियां की गई, वहां भी एलईडी से सबको दिखाया गया। लेकिन ये कोई भी हथकंडा जो है बीजेपी का काम नहीं आया था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी जी घर घर होते हुए भी बुरी तरीके से वो हार गए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और ये बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2015 का, वो भी एक ऐतिहासिक बना था कि किस तरह से 2014 में लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है भाजपा पूरे दमखम से लड़ती है, मैदान में उतरती है और जो है जितने भी पुराने जो आसियाने हैं, पुराने तंबू हैं, उसको उखाड़ फेंकती है। और 2015 में ठीक एक साल बाद अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की जो है, या उनके जो नाम की बात करें, उनका तंबू घरता हुआ नजर आता है। अब फिर से अब आप समझ रहे होंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक रिकॉर्ड बना है। आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो आपको पिछले दिनों हमारा भी एक वीडियो आपको नजर आया होगा, जिसमें आप सड़क जो है डिसलाइक हुआ था। सड़क अगर बात करें, हमने तो भी भारत लाइव की टीम ने भी सड़क को डिसलाइक कराया था पटना की। लेकिन एक और जो सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरी थी, जो सड़क मूवी है एक जिसका ट्रेलर आया था, जिसको लेकर के बिहारी अस्मिता से जुड़े हुए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के और अन्य वजहों से जो है सड़क 2 को डिसलाइक में एक वर्ल्ड का सबसे टॉप पे पहुंचा दिया गया था। तो ये डिसलाइक का जो फीवर चल रहा है, सीजन चल रहा है, सीजन तो कोरोना का भी चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे सभी लोग बैठे हुए हैं, लोग एनालिसिस कर रहे हैं, सभी विशेषज्ञ हो गए हैं, तो ऐसे में लोग जो हैं डिसलाइक करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। अब मैं ये डिसलाइक वाली भी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं भी आपको बताऊंगा। अभी बिहार विधानसभा चुनाव संभावित है और इसको लेकर के बिहार के अगर बात करें, चुनाव आयोग ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है कि किसी भी कीमत पर बिहार में विधानसभा चुनाव जो है तय समय पर ही होंगे। ऐसे में बिहार बीजेपी की बात करें, वो एनडीए में इस वक्त तो नीतीश कुमार भी हैं, नीतीश कुमार भी इस बार साथ हैं। लेकिन अगर अभी आप पिछले दिनों बिहार बीजेपी की बात करें, कार्यकारिणी बैठक की बात करें, तो वो लगातार नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, यानी कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको गिनवाने में लगी हुई है। बीजेपी अपने कार्य समिति की बैठक के दौरान भी ज्यादातर जो समय है अपना, जो ज्यादा समय का जो हिस्सा था कार्यक्रम का हिस्सा, वो केंद्रीय योजनाओं को ही जो है वाहवाही लूटने में गिनाई। वो लगातार इस बातों पे कह रहे थे कि जैसे अगर बात करें केंद्रीय जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना से कैसे घर घर बिजली गैस का कनेक्शन पहुंचा, किस तरह से जनधन योजना का जो है लाभ पहुंचा, और सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उन सारी केंद्रीय योजनाओं को गिनाने पे लगी रही। यानी कि बीजेपी इस बार फुल मूड में थी कि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही, अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही इस बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में अपना आगाज करेगी और इस बार जो है फिर से एनडीए बिहार विधानसभा को जीत करके, मतलब उस पर अपने सत्ता पे काबिज हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिसलाइक वाली जो मैं बात कर रहा था, सड़क 2 मूवी डिसलाइक हुई, उसके बाद जो डिसलाइक का जो एक सीजन चला है, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए के इस दाव पे जो है कहीं ना कहीं सारा पेच जो है फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री, आपको पता है कि वो मन की बात करते हैं, देश से मन की बात करते हैं और अपनी मन की बात जो है डिजिटल माध्यम से फिलहाल करते हैं, आकाशवाणी पे उनका सीधा प्रसारण होता है,
और भी विभिन्न जो निजी चैनल है उस पर उनका प्रसारण होता रहता है। वो कल फिर जो है यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, और ये उनके जो मन की बात जब से वो करना शुरू किए हैं उसके बाद ये 68वीं कड़ी थी मन की बात की। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हमने आपको बताया कि सड़क टू मूवी डिसलाइक हुई, लेकिन घर में लोग बैठे हुए हैं, इस बार लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को या फिर मन की जो बात है उनको अपने मन में समाते थे, रूम रूम में बसा लेते थे और उनका इंतजार करते थे। लेकिन इस बार इंतजार तो हुआ, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात है उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। रिकॉर्ड भी जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को निराश करने वाला है, क्योंकि एनडीए अपना बिहार चुनाव को लेकर सारी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तय कर रही थी। ऐसे में जो 68वीं अगर बात करें मन की बात जो हुई है उसमें अगर बात करें बिहार बीजेपी यानी कि भारतीय जनता दल का जो है यूट्यूब चैनल है, अगर उस पर देखें मन की बात की बात करें और जहाँ भी देखें वहाँ लाइक से ज़्यादा डिसलाइक जो है उन्हें मिले हैं, यानी कि लोगों ने उन्हें नापसंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार के मन के कार्यक्रम को जो मन की बात है उसको लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। किसी भी लोगों ने किन्हीं भी लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया है। अगर हम एक बड़ी बात और करें तो अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी का यूट्यूब चैनल है उस पर अगर अभी के करंट स्टेटस को देखें तो मैं चेक करके आपको बता रहा हूं, वहां पे 1.8 लोगों ने जहां प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो मन की बात कार्यक्रम को लाइक किया है, वहीं 8.8 लाख लोगों ने उन्हें डिसलाइक किया है। यानी कि ये जो अंतर है ये छोटा भी नहीं है, ये अंतर बहुत बड़ा है। अगर लाइक और डिसलाइक के बारे में बात करें तो डिसलाइक में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक रिकॉर्ड बना लिया है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है अगर बिहार बीजेपी के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के लिए निराशाजनक हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वो चुनाव लड़ना चाहती थी कि मोदी का जो लहर है उसे फिर से एक बार बिहार में आंधी का रूप देगी, सुनामी का रूप देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए इस बार जो है मुश्किलें पैदा करने वाला है। ये जो डिसलाइक का कहर है वो जिस तरह से नरेंद्र मोदी के जो है मन की बात पे इस बार बरसा है अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए को निराशा हाथ लग रही है। इससे आपको बता दें कि 2014 के बाद से और 1 सितंबर 2020 तक यानी कि आज से ठीक कुछ दिन एक दिन पहले तक अगर आप देखेंगे तो बिहार में या फिर कहीं भी देश में अमूमन ये देखा गया कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिसने भी जरा सी भी अपनी लफ्ज खोले यानी कि अपने भी जरा से भी कुछ कहने की हिम्मत जुटाई, उन्हें यहाँ के जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें देशद्रोही करार दे दिए। ऐसे में अब इतने लाख लोग एक साथ अगर डिसलाइक करते हैं तो क्या उन्हें भी देशद्रोही के जो है एक जो फॉर्मेट बनाया गया है क्या उसे भी उसे देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल बन रहा है। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। 8.8 लाख लोगों को देशद्रोही का शायद सर्टिफिकेट मिल जाए। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।